Good morning, students. Welcome back to your online teaching of study with Anuradha Dubey. Today, I am going to start with the first chapter from your grammar book, Hindi Vyakaran Evam Rachana. The name of the chapter is Bhasha, Lipi Evam Vyakaran. Before starting this chapter, let me explain you about the importance of grammar. किसी भी भाषा का समुचित अध्ययन करने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण ही भाषा की नींव है। शुद्ध एवं प्रवाहपूर्ण भाषा लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान और रचनात्मक अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। आज मैं आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में समझाना चाहूंगी। प्रथम हम भाषा के बारे में समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, सुनकर और पढ़कर अपने विचारों को ग्रहण करते हैं। अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करने के लिए और दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए भाषा जो है सबसे सुगम माध्यम है। वैसे तो हम संकेतों के द्वारा भी आपस में एक दूसरे को अपने विचार और भाव समझा सकते हैं, किंतु संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों को एक सीमा तक ही समझा सकते हैं। इसलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा ही परिभाषा देते हुए मैं बतलाऊंगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम आपको मौखिक भाषा के बारे में समझाते हैं। जब हम दूसरों के समक्ष अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके साथ बोलकर और आप मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। इसके कुछ अदर उदाहरण हैं, टीवी देखना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पर वार्तालाप करना आदि। चलिए अब आते हैं लिखित भाषा पे। यह लिखित भाषा भाषा के जिस रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण है पत्र लिखकर आदान प्रदान करना, पुस्तक पढ़ना, मोबाइल में मैसेज टाइप करना आदि। तो आज और भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संबंध की राज्यभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष हम यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब आप इसको ध्यान से पढ़ें, सुने और समझने की कोशिश करें। कल मैं आपको भाषा और बोली, मानक भाषा, लिपि, व्याकरण और व्याकरण के भाग के बारे में समझाऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।